हमें कोई दिक्कत नहीं है, कितना ही भजन बजे क्योंकि भगवान का नाम है। जैसे अजान हो रही है इस टाइम, ऐसी भोलेनाथ का अगर नाम हो रही है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत देर बाद एक आवाज़ सी आई जोर से कि क्या हुआ, शोर सवारा हुआ, तो जब देखा तो लोग इधर से उधर। वो गली है जहाँ का वीडियो वायरल हो रहा था। दिल से तैयारी करी थी कांवर निकालने की, पर यहाँ नुक्कड़ तक कांवर आ पाई हम लोगों की, और फिर ऊपर से इतने पथरावबाजी हो गए, अचानक से अटैक कर दिया कि हम लोग कुछ समझ ही नहीं। यहाँ से मस्जिद से यहाँ तक तो कोई पथराव नहीं हुआ। खामा खां का अफवाह बनाई गई कि मस्जिद पे रंग गिराया है, पाउडर गिरा है। बरेली के जोगी नवादा में आपको बता दें ये शाह नूरी मस्जिद है, और यहाँ से कांवड़ियों का जत्था गंगा जल लेने के लिए कछला जा रहा था। इसी बीच सांप्रदायिक माहौल खराब हुआ, पत्थरबाजी शुरू हुई, भारी पुलिस फोर्स मौके पर आई, आला अधिकारियों ने आकर मामले को शांत कराया। आसपास के रहने वाले लोगों में दहशत है, लोगों ने अपनी दुकानों को बंद कर दिया है, चारों तरफ पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है क्योंकि आज सोमवार है। जब कांवड़ लेकर कांवड़िए इस रास्ते से गुजर रहे थे बताया जाता है, तभी पत्थरबाजी हुई है। पत्थरबाजी में बहुत सारे कांवड़ियों को चोट आई, मौके पर पुलिस पहुंची, मामले को शांत कराया, भारी बवाल देखने के लिए मिला था। अब लोगों के अंदर दहशत सी है। अगर मैं पीछे के एरिया की बात करूं तो यहां से लेकर पीछे तक सारी दुकानें बंद हैं, कुछ दुकानें सब्जी की खुली हुई हैं, और उस वाले एरिया की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी बहुत सारे लोगों ने दुकानों के शटर जो हैं डाउन कर दिए हैं। मैंने कुछ लोगों से बात करना चाहा, मैंने पूछना चाहा कि कल क्या हुआ था, तो बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया कि हमको कुछ नहीं पता है। डरे हुए लोग हैं, सहमे हुए लोग हैं, दहशत भरा माहौल है, क्योंकि बरेली शहर एक गंगा जमुना तहसीब का शहर है, यहाँ पर तमाम लोग जो हैं आपस में मिलजुल कर रहते हैं। कुछ लोगों से मैंने चाहा कि मैं जानकारी लूँ, बताऊँ आप कि कल क्या हुआ था, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग यहीं थे कल, पता है कुछ? कहाँ थे? हॉस्पिटल। मतलब आज दुकान खोले, कल दुकान खोली थी क्या? हाँ, दोपहर तक खोली थी। सब्जी वाले भैया, कल आप यहीं थे? तो मैं नहीं था। कौन था? भाई होंगे मेरे घर में। आज आप आए हैं, कल नहीं थे? कल मैं नहीं था। जानकारी है कल को? मुझे नहीं पता, मैं नहा रहा था जब मुझे पता चला। क्या पता चला था? कुछ ऐसी लड़ाई उड़ाई हो गई। लड़ाई हो गई? आप नहीं थे? मैं नहीं। भाई थे? भाई होंगे। देखिए, मैं लोगों से बात करने की कोशिश तो करता हूं, लेकिन कोई भी यहां पर बताने के लिए कुछ तैयार नहीं है। और यही वो मस्जिद है, बताया जाता है 150 लोगों के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज हो गया है, और एक पूर्व पार्षद हैं सपा के, उस्मान अलवी, उनको हिरासत में लिया गया है। कोई कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ यहाँ पर फोर्स लगा दी गई है, दुकानों के शटर डाउन हैं, कोई कुछ नहीं बता रहा है। यहाँ RAF की टीम मौजूद है, सब तरफ फोर्स लगा दी है। मैं आपको ये वो माहौल दिखा रहा हूँ, वो एरिया दिखा रहा हूँ, वो जगह दिखा रहा हूँ जहाँ पर दहशत थी। देखिएगा, यहाँ पर सब जगह ताले लगा दिए गए थे, अजान हो रही है, मस्जिद बराबर में ही है, ये सारा बंद है। आप देख रहे होंगे कि इस इलाके में घनी आबादी है, बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ मौजूद रहते हैं, भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है, लेकिन आज कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। शटर के ताले लगे हुए हैं, और एक भैया मुझे देखकर शायद अंदर भी जा रहे हैं, मैं कुछ पूछना चाहता लेकिन वो बता नहीं पाएंगे, और वो चले भी गए हैं, मुझे लगता है वो बताना नहीं चाहते हैं। ये भी दरवाज़ा बंद है। कल आप यहीं थे? कल क्या हुआ था, थोड़ी सी जानकारी है आपको? कैसे ये बात बढ़ गई थी, क्या रहा? असल में ऐसा था, यहाँ पर मस्जिद के पास साउंड लगा हुआ था, बहुत कर रहे बजी रहा था, और भजन भी हो रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी भी भजन। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद अजहर नाम है। मोहम्मद अजहर? अजहर, ठीक है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, कितना ही भजन बजे क्योंकि भगवान का नाम है। जैसे अजान हो रही है इस टाइम, ऐसी भोलेनाथ का अगर नाम हो रही है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा था, ये साउंड लगे हुए थे, बहुत DJ लगे हुए थे, तो उन कांवड़ियों में जो भी थे, जो बड़े अधिकारी थे उनके कांवड़ियों में, उन्होंने साउंड बंद करवाया और माइक में बोला कि कोई बदतमीज़ी नहीं होना चाहिए, तरीके से चलो, जैसी हर साल की तरह निकलते हो ऐसी निकलना, कोई बदतमीज़ी ना हो। साउंड फिर चालू करवा दिया उन्होंने, फिर वो ज़्यादा नारेबाजी होने लगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा शोर मचने लगा, फिर उन्होंने साउंड बंद करवाया, फिर बोले ऐसा है, मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि कोई बदतमीज़ी मत करना, तरीके से चलना। ये बड़े कांवड़िए भाई, जो हमारे सबसे बड़े भाई थे कांवड़ियों में, उन्होंने बोला माइक में, साउंड बंद करवा दिया। लेकिन फिर उन्होंने साउंड चालू करवा दिया, फिर इतनी नारेबाजी होने लगी मस्जिद के सामने। ये किस टाइम की घटना होगी? ये लगभग 2 बजे के बाद की है। नमाज हो गई थी? नमाज हो गई थी। कुछ नमाजी मस्जिद में भी थे? हाँ, कुछ नमाजी मस्जिद में से नमाज पकड़ निकल रहे थे, लेकिन वो उनसे मना करा कि अभी रुक जाओ। उन्हीं लोगों ने, कांवड़ियों ने, कुछ जो बड़े थे उन्होंने कहा भी ना, यहाँ नारेबाजी मत करो, मस्जिद है,
लेकिन कुछ लोग नहीं माने। पत्थरबाजी शुरू होने की वजह क्या रही? पत्थरबाजी का जो सफ़ेद सफ़ेद चूना होता है क्या होता है, तो वो उला रहे थे, वो मस्जिद की तरफ फेंक रहे हैं। कांवड़िए जो थे वो सफ़ेद चूने को उला रहे थे। हाँ हाँ, वो चूना उड़कर मस्जिद की तरफ फेंक रहे थे। उनसे मना करा इधर मत फेंको, उन्होंने फिर फेंका, बाज नहीं आया। तो उन लोग उन आपस के लोगों ने भी डांटा उन्हें, जो कांवड़िए जो थे, हाँ मत फेंको, ऐसा मत करो गलत में। लेकिन कुछ लोग थे, होते हैं नशे के, उसमें नहीं माने। तो कुछ मुसलमानों से फिर आपस में बदतमीजी हुई, फिर हाथापाई हुई। हाँ ये हुआ। लेकिन जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं उसमें जो लोग हैं कुछ पत्थर फेंक रहे हैं, कुर्ता पैजामा पहने हुए हैं, वो आगे चौराहे की है। अच्छा, यहाँ पर हिंदू समुदाय के लोग भी रहते हैं? हाँ यहाँ रहते हैं। अभी भी मुझसे कोई हिंदू, मेरी बहन लस्सी लेके गई, हम लोगों में बहुत प्रेम है आपस में। ठीक है, मेरा जरी का काम है, मेरा टोटल काम ज़्यादा हिंदुओं में होता है। हाँ गिराएं से बहुत काम होता है, हम लोग सब आपस में प्रेम मोहब्बत बनाए रखते हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ, कई साल से निकल रही है ये। फिर पत्थर क्यों फेंके हैं? ये आपस में मुजोरी हो गई दोनों पक्षों में। ऐसा नहीं है मैं कहूँगा कि भाई मुसलमान की गलती नहीं है, सिर्फ हिंदू की है, या फिर मैं कहूँगा हिंदू की गलती नहीं मुसलमान। क्या कोई पहले से प्लान था? ना ना, कोई प्लान नहीं, प्लान कुछ नहीं था, सिर्फ वक्तीय तौर पर बात हो गई है। कई सालों से निकल रहे हैं, कभी कोई बात नहीं आज तलक नहीं हुई है, कई सालों से निकल रहे हैं। और हमारी जो ताज़िया है वो 10 तारीख को टोटल हिंदू इलाके से निकलती है। हाँ, हिंदू भाई हमारा सपोर्ट करते हैं, सब छतों पे चढ़ जाते हैं देखने के लिए, और हम लोग सब निकलते चले जाते हैं, कोई बात नहीं। और ये कांवड़ यात्रा निकलती है, हर साल निकलती है, और कुछ और भी यात्रा निकलती हैं, तो हम लोग अपनी छतों पे चढ़ जाते हैं देखते हैं, अपने अपने शॉप पे से देखते हैं, खड़े होकर भी निकल रही है। पहली बार ऐसा हो गया। क्या उस्मान अली का? उस्मान भाई का कोई हाथ नहीं है, उस्मान भाई की तो वीडियो है आप देख सकते हैं, वो सब कांवड़ी यात्रा से जितने भी थे उन सबसे हाथ मिला रहा था, गले भी मिल रहे थे। उस्मान भाई जो हमारे मेंबर पुराने पूर्व हैं, वो बहुत बढ़िया हैं, और वो हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। अच्छा, जो ज़्यादा काम जो है अपने सभासद के ज़्यादातर हिंदू इलाके में कराया रोड। चलिए, आपने इतना बोला, आपने इतना बताया, शुक्रिया, लेकिन कोई बोलने के लिए आज तैयार नहीं है। और सर बोलने में क्या? अच्छा, क्या ऐसे ही ये रौनक तो रहती होगी ना कल से पहले, तो आज ये लोग डरे हुए हैं? ना कोई डरे हुए नहीं है, सिर्फ दुकानें क्यों बंद कर दी? ये सिर्फ इसी वजह से है, माहौल ख़राब ना होए। हमारे कांवड़ भाई आ रहे हैं, सुकून से चले आए, हम भी माहौल ख़राब करना नहीं चाहते हैं। अच्छा, हाँ तो देखिएगा, मैंने इन भाई से बात की, इन्होंने इतना कुछ बताया, यही मुझे हासिल हो पाया। लेकिन मैंने कोशिश तो की कि मैं बहुत सारे लोगों से बात करूँ, लेकिन कोई कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। डोर बंद है, और ये भी गली सूनी है, ये शटर डाउन है, ताले लगे हैं, कोई कुछ बता नहीं रहा है, सिर्फ लोगों की आंखों में एक दहशत है। आप लोग क्या नाम है? अफसार अली। अफसार अली। तुम्हारा? आरिफ अली। हसन अली। हसन। और आपका? रेहान। अच्छा, सब लोग बताइएगा, कल यहीं थे आप लोग? सब घरों में थे। सब घर में थे। कैसे पता चला, क्या हो गया था कल? बहुत देर बाद एक आवाज़ सी आई ज़ोर से कि क्या हुआ, शोर सवारा हुआ, तो जब देखा तो लोग इधर से उधर भाग रहे थे। हाँ, उसके बाद कुछ ही देर बाद पुलिस आ गई, फिर मामला सब शांत हो गया। बताया जाता है इस गली से, इस साइड से पत्थर फेंके गए हैं, वो वीडियो शायद इसी गली का है ना, या आगे का है? नहीं नहीं, अच्छा, यहाँ तो पत्थर, एक भी पत्थर नहीं फेंका गया यहाँ पे, कुछ नहीं। प्यार से निकाला गया था कि सर आप यहाँ से जाइए बड़े आराम से, किसी ने भी साल से कांवड़ निकल रहे हैं इधर से, कांवड़िए लंबा अरसा हो गया होगा, दो चार साल से निकल। कभी कोई ऐसी बात देखने के लिए मिली? कोई बात नहीं, सबको प्यार मोहब्बत से निकाला है, प्यार मोहब्बत से, और पानी वगैरह भी सबको पिलाया। वीडियो में दिखने वाले जो लोग हैं वो इस क्षेत्र के नहीं? क्या वो इस गली के हैं? इस क्षेत्र के नहीं है। वो यहाँ पर हिंदू समुदाय के लोग भी रहते हैं आसपास? आगे। अच्छा ठीक है, तो ये लोग घर में थे उस वक्त, इन्होंने बताया कि हमको कुछ नहीं पता था, हम घर पे थे, एक आवाज़ आई, उस आवाज़ को सुनकर ही हम लोग बाहर निकले। पूरी गली, ये गली आप देख रहे होंगे, इस गली में भी जो लोग हैं घरों से नहीं निकल रहे हैं, और सब घरों के अंदर हैं, ये ताले लगा दिए गए हैं, बड़ी मार्केट है, दुकान बंद है। कहाँ रहती हैं आप? यहीं रहती हैं। कल क्या हो गया था? कल सर सब लोगों ने यहाँ पे कांवड़ निकलने की तैयारी करी। अच्छा, नाम बताओ पहले। सर मेरा नाम मोना वर्मा है, मैं गोसाई गोटिया की निवासी हूँ, और मैंने कल सब लोगों ने यहाँ पे बहुत दिल से तैयारी करी थी कांवड़ निकालने की, पर यहाँ नुक्कड़ तक कांवड़ आ पाई हम लोगों की, और फिर ऊपर से इतने पथरावाजी हो गए, अचानक से अटैक कर दिया कि हम लोग कुछ समझ ही नहीं पाए। एक चीज़ और है, ये कहा जा रहा है कि एक गुलाल था कोई। हाँ, वो उड़ रहा था तो वो मस्जिद की तरफ गया। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि गुलाल तो हम लोग भी खड़े थे। एक वीडियो में दिख रहा है कोई सफ़ेद चूना सा है या कोई पाउडर? व्हाइट कलर का चूना होगा, बट गुलाल रंग तो कोई नहीं था।
क्यों व्हाइट कलर का चूना जो होता है जो यहाँ पे लाइनिंग खींचते हैं रोड वाली वो था। हाँ। उसको उड़ाया जा रहा था। हाँ सर उसे उड़ाया। आप शामिल थी जत्थे में क्या? नहीं सर हम पीछे थे, काफी पीछे थे। पीछे थे सर। अच्छा एकदम दहशत सा माहौल हुआ, फिर कैसा लगा? सर एकदम हॉपलेस हो गए, क्या करते हैं अचानक से। तो फिर सबको अपनी अपनी जान की पड़ी थी, तब एकदम भगदड़ी मच गई। तो काफी लोगों को बहुत चोट आई है और बहुत लोगों के तो खून कच्चड़ भी हो गया। पत्थर किधर से चल रहे थे सर? सबका कहना अचानक मेरी तो ऊपर निगाह ही नहीं पहुंची, अगर मैं ऊपर निगाह करती तो मेरी तरफ उड़ जाता। तो लोगों का कहना कि मस्जिद तरफ से पथरा हुआ है। महिलाएं भी थी शामिल सर? बहुत सारी महिलाएं थी, बच्चे थे छोटे छोटे और बड़े बुजुर्ग सब सब थे। हमारा तो पूरा मोहल्ला ही था समझ लो आप। तो आज इस दहशत के माहौल में आप घर से बाहर हैं? सर हम अपने महादेव के भक्त हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे प्राणों पे आ जाए, पर हम मंदिर जाना नहीं छोड़ते हैं सर, बस ये हमारा कहना है। तो इतना ही आपने देखा था? यस सर, पर बहुत भयानक माहौल हो गया था जिससे हम लोग कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं रहे उस टाइम। कुछ वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ? हाँ सर हुई है, मैंने भी देखा है। देखा है? हाँ यस सर। चलिए ठीक है, आपने इतनी जानकारी दी। हाँ सर, जय हिंद जय भारत। क्या नाम है आपका? शरीफ भाई। शरीफ भाई, पथराव जो हुआ क्या इस गली से हुआ, इधर के रहने वाले लोगों ने किया, वीडियो में कुछ लोग हैं दिखाई दे रहे हैं, क्या पूरा मामला था, कुछ जानकारी है? नहीं, यहाँ से मस्जिद से यहाँ तक तो कोई पथराव नहीं हुआ। कौन सा एरिया है, कौन सी गली बोलते हैं इसको? ये तो सब जोगी नवादा ही है। ठीक है, कांबड़ इसी रास्ते से निकलती है? इसी रास्ते से निकलती है। अच्छा, चौराहे पे थोड़ा बहुत हुआ होगा नोकझोंक और बाकी इधर हुई होगी। हम जो थे पब्लिक को निकालने में लगे रहे कि भाई आप इधर जाओ, कोऑपरेट करते हैं आप? ठीक है, मन कुछ ऐसा ज़्यादा था नहीं, जितनी बड़ी अफवाह फैलाई इतना बड़ा कुछ था नहीं। अच्छा, लेकिन वीडियो एक सामने आ रहा है निकलकर, उसमें बहुत सारे लोग हैं पत्थर फेंक रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं और बहुत सारे कांवड़ियों को चोट आई है, कुछ दूसरे समुदाय के लोगों ने भी पत्थर फेंके हैं। पत्थर फेंकने की वजह क्या हो गई, मतलब पत्थर क्यों बरसाए गए? देखिए कुछ भैया ऐसा है, लड़के बच्चे। क्या कोई पहले से प्लानिंग थी? पहले से प्लानिंग कुछ नहीं, निकल रहे हैं हर सोमवार निकलते हैं और जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा शख्स जो माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहा था, आप लोगों से कह रखा हो या उसका कोई रोल रहा हो, कुछ ऐसा? तो कोई नहीं, नहीं। वजह पता है क्यों पत्थर? मिलजुल के रहते हैं सब लोग, आ रहे हैं जा रहे हैं, अब भी सब निकल बैठ रहे हैं। कुछ कोई ख्याल बनाया होगा या बन गया होगा, माहौल ऐसा बन गया होगा जो उस समय कुछ हो गया होगा। कल की तस्वीरों को देखकर क्या लग रहा है, दहशत है आंखों में इसीलिए ये पूरी मार्केट और सारे लोग घरों में कैद हैं? देखिए दहशत तो खैर पुलिस से और वैसे हो ही जाती है, जब कोई दंगा कहीं थोड़ा बहुत होता है दहशत बन जाती है, वरना कुछ ऐसा है नहीं, पुलिस पूरा सहयोग कर रही है। आप लोग थे कल यहीं रहते हैं कहीं? मैं नहीं था यहाँ पर। आप यहीं रहते हैं? ये बच्चे। अच्छा बच्चे, ठीक है। आप भैया यहीं रहते हैं? कुछ जानकारी थी थोड़ा सा, डरो मत यार, बताओ वाली बात क्या हुआ था कल, क्या हुआ था, कुछ देखा, कुछ पता चला, क्यों पत्थर फेंके गए? पत्थर जो है सर, जिस समय इधर का नाम है कांवड़ निकल रही थी तो। क्या नाम है आपका पहले? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ। आरिफ जी बताइए। जिस समय कांवड़ निकल रही, उस समय पहली बात तो मैं यहाँ था नहीं। हाँ। मैं गया हुआ था थोड़ा काम से, और कांवड़ निकलती रहती है, हमेशा निकलती रही है। लेकिन जब कांवड़ ये निकले थे, कुछ वीडियो मैंने देखा था जो लोगों के मोबाइलों में थे, वो देखे थे मैंने। तो जो कांवड़ के साथ में जो राख वगैरह होती है, वो राख वगैरह मस्जिद के ऊपर उछाली गई थी। तो उस समय पुलिस भी थी और नेताजी भी थे, जो उन्होंने रोका भी तो वो लोग माने भी नहीं, और कहा सुनी होते होते फिर पथराव चालू हो गया। एक उस्मान अली है पूर्व पार्षद, जी जी, उनको हिरासत में लिया गया, बताया जाता है कि उन्होंने ये पूरा एजेंडा तैयार किया है। सर वो तो आराम से कांवड़ को निकलवा रहे थे और पुलिस के साथ में ही थे वो, पुलिस भी थी और वो भी थे, वीडियो में वो चीज़ दिखाई गई, उनका कोई इसमें रोल नहीं है, वो हर साल निकल। चलिए ये तो पुलिस जानकारी में स्पष्ट हो पाएगा कि पूरा मामला क्या था। ये आपका कहना है कि उनका कोई रोल नहीं है। उसके बाद में वहाँ हो गए पत्थर जो फेंके गए, मेरा कहने का मतलब ये पत्थर जो फेंके गए हैं वो इस गली से फेंके गए हैं, इधर के लोगों ने फेंके हैं? कौन है वो लोग जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं? इधर कुछ नहीं, इधर पत्थर वत्थर इधर ना, इधर आप लोगों की गली में कोई किसी ने नहीं फेंका ना, हमारी गली में यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, इधर से लेकर वहाँ तो कुछ नहीं। तो आप लोगों ने सिर्फ इसीलिए पूरे मार्केट को बंद कर रखा है? जी मार्केट तो देखो पुलिस भी यहाँ बराबर निकल रही है, मार्केट बंद है, अपने आवाजा भी हो रही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू समुदाय के लोग किधर रहते हैं? वो आगे रहते हैं वनखंडा मंदिर। तो मेन जो प्रॉपर जो लड़ाई जो पत्थरबाजी हुई है वो यहीं आसपास का एरिया यही है ना, आगे है वो आगे मोड़ पे। अच्छा ठीक है, एक आगे मोड़ भी है, देखिएगा। मैंने कुछ लोगों से बात की और मैं आपको पूरी कवरिंग दिखा रहा हूँ। मैं शुरुआत जो शाही मस्जिद है नूरी में, वहाँ से लेकर चला यहाँ तक पहुँचा। कुछ लोग थे, उन्होंने मुझे जानकारी दी, बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हर तरफ जो है दहशत है। मैं आपको बता दूं कि देखिए ये पुलिस फोर्स है यहाँ पर लगा दी गई है, चूँकि आज सोमवार है और कल का ही पूरा ये घटनाक्रम था। इधर आरएएफ की टीम लगा दी गई है और बहुत सारे लोग हैं। अब यहाँ से मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं बात किससे करूँ, मैं बात अगर करूँ भी तो किन दीवारों से करूँ,
किन दरवाज़ों से करूं और किन लोगों से करूं, क्योंकि मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं परिंदा भी पर नहीं मार रहा है, क्योंकि कल का जो माहौल था, कल की जो तस्वीरें थीं, बड़ा ही भयानक थीं, बड़ी दहशत भरी थी। लोग डर गए थे, सहम गए थे, घबरा कर अपने घरों में कैद हो गए थे। देखिएगा, ये आरएफ की टीम लगा दी है, ये दरवाज़ा बंद है, इधर ये गेट बंद है। मुझे लग रहा है कि शायद घरों में रहने वाले लोग जो हैं वो जा भी चुके हैं। ये ताला लगा दिया है, ये ताला लगा हुआ है और इसमें एक स्टिकर लगा है, शायद मुझे लगता है मुस्लिम समुदाय का ये घर है। और पूरा ये एरिया है, सिर्फ यहाँ पर फोर्स है, फोर्स के बाद यहाँ कोई और नज़र भी नहीं आ रहा है। कुछ लोग हैं, बस मुझे ये महिलाएं नज़र आई हैं, क्योंकि ये जो पूरा घटनाक्रम था, ये पूरा जो मामला था, वो इधर का ही था जुड़ा हुआ। मैं उधर से बात करके आ रहा हूँ, आपको बताया था। फिलहाल यहाँ पर आज जो है पुलिस फोर्स मौजूद है, आरएफ की टीम भी है, कल भी बहुत सारी फोर्स जो थी वो आई हुई थी। क्या नाम है? राधेश्याम। राधेश्याम जी, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, मस्जिद से आ रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, बताने के लिए तैयार नहीं है। दो चार लोग थे, उन्होंने मुझे बताया कल क्या हो गया था, कुछ जानकारी है? पत्थर किधर से चले थे, क्या पूरा मामला था? ये ऐसा था, ये गुसाई गौडिया से कावर आती है, हर साल आती है, ये पहली बार नहीं आई है, इसकी परमिशन भी है। अच्छा। तो ये मस्जिद पर आके उधर से आ रहे थे ये लोग, तो ये मस्जिद से इन्होंने, वो उस्मान का नाम खुलेआम आया है उसमें, हाँ, पूर्व पार्षद है उस्मान अली, पार्षद वहाँ पे खड़ा हुआ था ये। अच्छा। उसकी वजह से ये दंगा हुआ, उसने जो है वहाँ से शुरुआत करा दी। उसके बाद फोर्स तो पहले तीन चार लोग थे, इंस्पेक्टर साहब थे और मतलब चौकी के लोग थे, बाकी और फोर्स नहीं थी। और फोर्स तो बात को आई है, और फोर्स जो है बात के लिए सारी फोर्स आ गई, पूरे क्षेत्र की जितने थाने भी पड़ते हैं। अच्छा, कांवर का जो रूट है वो उधर से आके यही रूट है, इधर से निकलते हैं। पत्थरबाजी किधर से हुई थी? वहाँ पे हुई, वही वहीं पे मोड़ पे जो है, जो मस्जिद है सर, मतलब आसपास के जो रहने वाले, हाँ हाँ हाँ, वहाँ वहाँ पे शुरुआत की है। वहाँ सामने एक गली है, वहाँ से शुरुआत हुई थी, उस साइड में वो वहाँ पे ही हुई है। अच्छा। हाँ, बाकी इधर तो आगे अपना बचाव के लिए इन्होंने कांवरियों ने की है। अच्छा। अपना बचाव जब इनको शुरुआत वहीं पे थी, टोटली बस्ती वही है वहाँ। अच्छा, उधर के लोग जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि पूर्व पार्षद जो उस्मान अली है उनका कोई हाथ नहीं है, वो कॉपरेट कर रहे थे, उनको बेवजह फंसाया गया है, कांवरियों ने उनको देखा है, सारे लोग जानते हैं, कोई ऐसा तो है नहीं पहली बार देखा है किसी ने। ये तो भाई की बात है ना, इनको मस्जिद में पहली बात अगर नहीं था, सारी दुकानें पहले ही बंद करा दी गई थी, यहाँ पे किसी को कोई सूचना नहीं थी। अच्छा, एक बहुत सारे लोग ऐसी भी बात कर रहे हैं कि पत्थर जो है मुस्लिम समुदाय की तरफ से तो आए, लेकिन कुछ पत्थर जो हैं कांवड़ियों ने भी फेंके हैं, क्या वो वीडियो देखे हैं आपने? ऐसे नाचते गाते आ रहे थे लोग, उनको रोकने की कोशिश करी गई, खामा खा का अफवाह बनाई गई कि मस्जिद पे रंग गिरा है, पाउडर गिरा है, और उसके बावजूद मस्जिद से पहला पत्थर गिरा है, मस्जिद से पत्थर, पहला मस्जिद से पत्थर गिरा, इसका वीडियो अवेलेबल है, पत्थर नहीं है, कोई ईंट साबित ईंट, ये ईंट वीडियो में, वो तो अच्छा है, ईंट है, पूरी ईंट है, और उसके बाद पथरा हुआ है, डबल घेरा है, डबल गली से, एक पीछे घेरा है, इस गली से घेरा, दो जगह से घेरा है, दो दो गलियों से, इस गली से एक सामने वाली गली से, पहले मस्जिद से हुई थी, आज प्रशासन मौजूद है, आज फोर्स से लगी, कल कहां था प्रशासन? कल चार सिपाही भेज दिए डंडा लेकर के, उससे सिक्योरिटी होती है, प्रशासन की पूरी लापरवाही, लेकिन मामले को उस पूरा शांत तो प्रशासन ने ही किया है, फिर आके माहौल बिगड़ सकता था, प्रशासन आया है, उसकी भी वीडियो है मेरे पास, प्रशासन हाथ बांधे खड़ा रहा, जनता ने मोर्चा संभाला, मामला हमेशा, सारे मामले हिंदू शांत करता है, हिंदू हमेशा शांति चाहता है, लेकिन दूसरा पक्ष शांति नहीं चाहता, सौ की बात है, उन्हें जब भी मौका मिलता है वो जो है पत्थर लेके तैयार रहते हैं। एक सवाल है, बरेली शहर गंगा जमुना तहसीब है और सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, मुझे लगता है आप लोगों के भी दोस्त होंगे सारे लोग, है ना, कभी क्या कभी ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ की फिजाओं को कोई खराब करने की कोशिश कर रहा है? पिछले 12 साल से यही हरकतें होती आ रही हैं, आज तक प्रशासन रोक नहीं पाया इस चीज को, 2000 क्यों किसने खराब किया, क्यों 12 साल से क्यों हो रहा है ये सब? अगर जनता गंगा तहजीब है तो प्रशासन का क्या रोल है? अच्छा, कितने साल से कांवड़ निकल रही है इधर से? पिछले 20 साल से निकल रही है, लेकिन 2012 से, लेकिन कभी कोई ऐसा मामला देखने के लिए 2012 से दो लोने मारे थे 12 में, जल जला के जा रहे थे, ये उस्मान ने कराया था सब, चलिए उस्मान मेंबर रह चुका दो बार का सपा से, ठीक है, इस बार हार गया। देखिएगा, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जो पूर्व पार्षद हैं उस्मान अली,
उन्होंने इस फिजा को ख़राब करने की कोशिश की। मैं आपको बता दूं कि मैं जोगी नवादा में मौजूद हूं और यहां पर कल बड़ा बवाल देखने के लिए मिलता है। माहौल बिगड़ गया था, सब तरफ फोर्स ही फोर्स थी और पत्थरबाजी का जो पूरा मामला था वो भी देखने के लिए मिल रहा था। क्या कुछ लोगों ने बोला है ये उनकी अपनी राय है, इसमें बरेली मिरर का कहीं पर भी कोई भी ऐसा कमेंट नहीं है, कोई भी ऐसी राय नहीं है, कोई ऐसा मशवरा नहीं है। तमाम लोगों की राय है वो आपने सुनी है। मैंने लोगों से बात करना चाहा और लोगों ने एक दूसरे पर आरोप भी लगाए हैं। फिलहाल अब मामला शांत है, पुलिस फोर्स लगा दी गई है, आज सोमवार का दिन है और अब जो है थोड़ा सा डरे हुए लोग हैं, लेकिन हल्के हल्के सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। आप भ्रमित ना हो, वीडियो को ज़्यादा फॉरवर्ड ना करें, शेयर ना करें, क्योंकि लोग जो होते हैं दहशत में आ जाते हैं। फिलहाल बरेली का जो माहौल है वो ठीक ठाक है। अम्मा डर तो नहीं लग रहा कल को लेकर, सही है ना? हाँ, वैसे बरेली शहर के लोग सब लोग कैसे हैं? डर ना लग रहा है, कल थोड़ा कामर मजू हो किरकिरा हो गया। वैसे सब लोग मिलके रहते हैं ना? हाँ सब मिलके रहते हैं, उसे तो उनके दिल में कुछ विरोध रहता है, हमारे दिल अंदर नहीं रहता है, मगर रहते तो हाँ सब लोग वैसे सब मिलके रहते हैं। चलिएगा, सारे लोग मिलके रहते हैं फिलहाल। और बरेली शहर गंगा जमुना तहजीब का शहर है और यहाँ पर सभी धर्म के जो लोग हैं वो अच्छे से रहते हैं, कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को, प्रशासन का बड़ा सहयोग रहता है। अगर प्रशासन कल नहीं होता तो बड़ा बवाल देखने के लिए मिल सकता था। तो मैंने आपको पूरी कवरिंग दिखाई, पूरा वो एरिया दिखाया, पूरी वो जगह दिखाई जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ लेकिन मैंने पूरी तफ्तीश से जानकारी दी है, लोगों से बात की और लोगों से ये पूछा कि कल क्या था और किस तरह से इस फिजा को ख़राब करने की कोशिश की गई थी। फिलहाल बहुत सारे लोग हैं मेरे कैमरे पर आना नहीं चाहते थे और बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया कि हमें बोलना नहीं है, डर लगते क्योंकि डर जाते हैं लोग। फिलहाल अब जो है दरवाजे वगैरह बंद हैं, अपनी अपनी दुकानों को बंद करके लोग जो हैं अपने घरों में चले गए हैं। फिलहाल तो देखते रहिए बरेली मिरर। जय हिंद दोस्तों।